पहले चरण में लोकसभा की 5 सीटों पर मतदान होना है। इनमें नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गुंतिया, रामटेक और गढ़चिरौली चेंबूर सीटें शामिल हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है बसपा के नागपुर लोकसभा प्रत्याशी योगेश लांजेवार से। नागपुर लोकसभा के लिए जो है 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होने हैं और इसीलिए इस लोकसभा के लिए बसपा से योगेश लांजेवार ये उम्मीदवार है, तो उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या एजेंडा है, कौन से मुद्दों को लेकर वो जनता के सामने जा रहे हैं, क्या बताओगे? सभी को सप्रेम जय भीम, नमस्कार, सलाम। मैं योगेश लांजेवार, बहुजन समाज पार्टी का नागपुर लोकसभा का अधिकृत उम्मीदवार। मैं इस लोकसभा में मैदान में उतरा हूँ एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का और एक स्लम की बस्ती जिसको इंदौरा कहते पूरे नागपुर शहर में, उस इंदौरा का रहवासी हूँ। इसके पहले 2017 में मेरी पत्नी बहुजन समाज पार्टी की नगर सेविका चुनकर आई और नगर सेविका चुनकर आकर 5 साल 7 साल जो हमारा कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल को और जनता में हमारी लोकप्रियता को देखते हुए मेरे पार्टी ने मुझ पर यह भरोसा जताई। मैं मेरे पार्टी के सारे आलाकमानों का मैं धन्यवाद देता हूँ और एजेंडा ये है कि इस नागपुर शहर में जितनी 25 लाख की आबादी है, इस 25 लाख की आबादी के लिए, नागपुर शहर की जनता के विकास के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने जो खोखले वादे किए हैं, उन खोखले वादों को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर उनको सही मायने में विकास क्या होता है इसका चित्र दिखाना चाहते हैं। ये लोग विकास का पैमाना क्या मानते हैं, तो रोड बना दिए, सड़क बना दिए, मेट्रो चला दिए, फ्लाईओवर बना दिए, बस यही विकास है क्या? सीमेंट का सारा जंगल आपने बना दिए, इसी को अगर आप विकास कहते हैं तो हम ऐसे विकास की परिभाषा को बदलना चाहते हैं। विकास तब होगा जब इस शहर में रहने वाले गरीब लोग, फुटकर व्यापारी, छोटे व्यापारी जो यहाँ पर हमारे फुटपाथ पर बैठने वाले, हमारे सब्जी बेचने वाले, कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचकर अपना परिवार चलाने वाले लोगों की आपने क्या व्यवस्था की है, आपने स्लम में बस्ती में रहने वालों की क्या व्यवस्था की है, आपने यहाँ इस शहर के युवाओं की क्या व्यवस्था की है, क्या उनको रोजगार के कोई उपलब्ध कराए साधन संसाधन, आपने यहाँ के बच्चों की क्या व्यवस्था की है, उनके एजुकेशन की क्या व्यवस्था की है, उनको आपने पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूलों के, प्राइवेट उनके स्कूल चलाने वाले संचालकों के मत्थे मर दिए और उनके हाथ में उनकी चाबी दे दिए कि जाइए आप इनको लूट लीजिए। अरे कोई भी बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छी से अच्छी तालीम, अच्छी से अच्छी शिक्षा ये देना हर माँ बाप का कर्तव्य होता है। वो माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई पूरे प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के जेब में डाल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। अगर ये बच्चा अच्छा पढ़ लिख देगा तो शहर का नाम रोशन करेगा, अल्टीमेटली देश का नाम रोशन होगा, लेकिन देश का भविष्य है बच्चे और बच्चों के साथ इस तरीके का अन्याय कि उसके माँ बाप को अच्छी सुरक्षा बच्चों को देने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप लोगों ने पूरी सरकारी यंत्रणाएं खत्म कर दी है। हम चाहते हैं इस शहर में सरकारी स्कूलें फ्री होनी चाहिए और उस स्कूलों का दर्जा अच्छा बनाना चाहिए जिसके कारण हमारा यहाँ का बच्चा पढ़ेगा और उसके माँ बाप पर ज्यादा बोझ नहीं लगेगा। साथ ही साथ युवाओं के लिए आपने मिहान लाए लेकिन पूरी तरीके से रेगिस्तान बनाकर रख दिए, स्मशान जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि किसी स्मशान में हम लोग टहल रहे हैं। यहाँ पर आपने उस मिहान के नाम से इस नागपुर शहर के युवाओं को धोखा दिए। हम उन युवाओं को सही न्याय देना चाहते, उनके लिए रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। इस शहर में रहने वाले जिनके घर में, जिनके जमीनें नहीं है, जिनको पट्टे नहीं है, जिनके घर नहीं है, ऐसी स्लम में रहने वाली कई बस्तियाँ हैं, इन स्लम में रहने वाली बस्तियों के लिए आपने पक्के मकानों की कोई व्यवस्था नहीं की है। 10 मकान बना दिए और लाखों लोग बनाए, लाखों के बनाए, ऐसा जुमला आपने जिस तरीके से आपके आला कमान करते हैं वैसा आप लोग करते हैं। इसलिए हमारा आरोप है बीजेपी पर, इसलिए हमारा आरोप है कांग्रेस पर। दोनों पार्टियों की 70-75 सालों से सत्ता रही लेकिन हमारी नजर में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। ये डसेगा तो इसका जहर आपको आपके जीवन में नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए मेरी नागपुर शहर की जनता से मैं दरख्वास्त करूंगा कि दोनों को आपने चेक कर लिए, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते। बहुजन समाज पार्टी यही पूरे देश में और इस नागपुर शहर में आपको न्याय दिला सकती है। बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर का हाथी और ये नीला झंडा यही आपको आपके सही अंजाम तक पहुंचा सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं दरख्वास्त करूंगा जनता से कि बहुजन समाज पार्टी के नाते मेरे ऊपर आप भरोसा जताइए, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का वादा करता हूं। आपके सामने दो तगड़े उम्मीदवारों का आह्वान है, जैसे कि एक तो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी और दूसरे विकास ठाकरे, ये भी जनमानस में उनका बहुत ही ज़्यादा उठना बैठना है, वो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता के तौर पर उभर कर आते हैं, तो कैसे देखते हो? देखिए मैडम, जिनको विकास पुरुष का नाम दिया गया है,
ये विकास पुरुष की परिभाषा जो है, ये विकास पुरुष का जो जुमला है इनके अपने कार्यकर्ताओं ने दिया हुआ है। विकास को तो हम पहले से खारिज करते कि इस तरीके का विकास शहर का हुआ रहता तो आज आपको फिर से मैदान में उतर कर लोगों के बीच में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों आपको लोगों के बीच में जाना पड़ रहा? आपने तो इतना विकास किए, फिर जनता ने तो आपको हाथों हाथ ले लेना चाहिए। लेकिन ये विकास आप खुद भी जानते हो कि आपने विकास के नाम पर लोगों को ठगा है। दूसरा, जिनका नाम विकास है, लेकिन मैं कुछ खास ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस पार्टी से उम्मीदवार है, कांग्रेस से, उस कांग्रेस ने 60 साल इस शहर में राज कर भी जब हमारे शहर का विकास नहीं कर पाई तो हम उससे विकास की क्या अपेक्षा रखें। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, स्लम की बस्ती में रहता हूँ। इंदौरा या नागपुर शहर का सबसे बड़ा स्लम है, इस बस्ती में मैं रहता हूँ और सर्वसाधारण लोगों से मैं बहुत टच से जुड़ा हूँ, जमीनी लेवल का कार्य करता हूँ। मुझे भरोसा है लोगों को जमीन से जुड़ा हुआ आदमी पसंद आता है और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी उनकी सारी समस्याओं को बखूबी जानता है। जो जानता है वही उनकी समस्या सॉल्व करेगा, जो जानता नहीं है एसी में घूमता है, फोर व्हीलर गाड़ियों में घूमता है और बड़े बड़े होटलों में रहता है, वो आम जनता की समस्या क्या जानेंगे मैडम। मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि मैं इन सब की समस्या को जानता हूँ, इसलिए इनका समाधान भी मैं ही कर सकता हूँ। आप नागपुर की जनता से क्या अपील करना चाहोगे अभी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर? मैं नागपुर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस नागपुर शहर में सबसे ज़्यादा बाबा साहब को मानने वाला अम्बेडकरवादी समाज है, जिसकी लोक संख्या 6 लाख के करीब है। अगर ये 6 लाख के करीब वाले लोग इकट्ठा आ जाते हैं, क्योंकि आज उनके सामने में बहुजन समाज पार्टी ने एक अम्बेडकरवादी, एक नीले झंडे का एकमात्र उम्मीदवार खड़ा किया है, योगेश लांजेवार। मैं चाहूँगा ये मेरी सारी जनता अगर इकट्ठा आती है और अपना शक्ति प्रदर्शन करती है तो बाकी की सारे बहुजन समाज की जनता हमारे पास आ जाएगी और साथ ही साथ हमारे को जीत दिलाने के लिए या हमारी चुनावी प्रचार को ये करने के लिए, हमारा चुनाव प्रचार करने के लिए आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, इनकी 11 तारीख को, इसी 11 अप्रैल को नागपुर के, उत्तर नागपुर के बेजनबाग मैदान पर दोपहर 2 बजे उनकी सभा का आयोजन किया गया है। मैं सारी मेरी जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप पूरे सपरिवार बहन जी की इस सभा में आकर आप इस कार्यक्रम में आइए और बहन जी को सुनिए। यही मैं आप लोगों से, सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा, मेरी सारी जनता से 11 अप्रैल 2024 बेजनबाग ग्राउंड, उत्तर नागपुर, इंदौरा। तो ये सामान्य लोगों की समस्याओं को जानते हैं और उनके समाधान ये कर सकते हैं, यही एजेंडा है इनका कि मैं सामान्य जनों तक मैं पहुंच सकता हूं, उनकी समस्याओं को हल कर सकता हूं। इसी एजेंडे के साथ लोकसभा चुनाव में ये उतारे गए हैं बसपा की ओर से। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।